मैं अभिषेक शर्मा, मैं अभिषेक विनोद शर्मा यहाँ 3.5 साल से जेल में हूँ। मेरी बेल नहीं हो पाई थी और खारिज हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अधिकारियों को नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि हम बंदी भाइयों के लिए इस प्रकार की अद्भुत कार्यशाला का आयोजन उन्होंने करवाया। मैं भानु प्रताप सर को नमस्कार करता हूं और उनकी पूरी सारी टीम को नमस्कार करता हूं कि उन्होंने यहां पे इस कार्यशाला का संचालन किया। मैं बंदी भाइयों को नमन करता हूं कि जो यहां आए और सहयोग किया इस कार्यशाला को चलाने में, और आप यहां से बहुत कुछ समझे सीखे मेरी तरीके। पहले हम क्या समझते थे कि सुख शब्द तो हम चाहते थे, लेकिन हम सुख होना चाहते थे सुधा के आधार पर। लेकिन ये हम यहाँ आने के बाद रियलाइज हुआ कि संबंध अच्छे नहीं हैं तो परिवार में या हम अपने आप में कभी सुख नहीं हो सकते। सुखमय जीवन हमारी सही सोच, सही समझ और सुविधा के साथ साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। अगर संबंध का अभाव है तो परिवार टूट जाते हैं। मैं डीपी एक्ट में आया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज यहाँ हुआ कार्यशाला में आके कि संबंधों का अभाव है या था, अब तो नहीं है, अब तो मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया। तो जो कारण था वो कारण मैं जान पाया इस कार्यशाला में कि कारण क्या था। मैं सुविधा के पीछे भागता था और संबंधों को निगलेक्ट करता था। रीज़न यही था कि डीपी एक्ट जैसा कांड हो गया, मैं नहीं समझ पाया चीज़ों को, और यहाँ से जाने के बाद मैं अपने आप में बहुत और सुधार करूँगा। हम प्रायः क्या करते हैं कि एक धारणा बना लेते हैं मान्यताओं के हिसाब से, भेद के हिसाब से, जो हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपना अगर सही सही मूल्यांकन करें और सामने वाले का भी सही सही मूल्यांकन करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। और इस कार्यशाला ने मुझे बिल्कुल एक बूस्ट एनर्जी का काम किया, बहुत ताकत दी, अंदर से आत्मविश्वास पैदा किया, चीज़ों को समझने की प्रेरणा दी। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जब मेरी बेल खारिज हुई थी जनवरी में, तो मैं अपने मम्मी पापा से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिए थे। करीबन 1.5 महीने तक मैंने कोई बातचीत नहीं करी। 1.5 महीने के बाद मैंने कोर्ट में थोड़ी बहुत बातचीत की, वो भी पापा से मम्मी से बिल्कुल नहीं। लेकिन कार्यशाला करने के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आया, मेरी समझ आया कि नहीं, वो चाहते तो मेरा अच्छा ही थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा काम हो नहीं पाया, मैं जो बन नहीं पाया। तो फिर मैंने जब ये रियलाइजेशन हुआ तो मैंने बात करी अपनी मम्मी से, और उसके बाद से जो हमारे जो मम्मी पापा से जो बातचीत का एक दौर था वो सिलसिला चालू हुआ, और बहुत अच्छा अनुभव किया मैंने। और इसी के साथ धन्यवाद दूंगा। कहने को तो बहुत बातें हैं, बहुत कुछ मेरे अंदर परिवर्तन आया है, मेरी समझ में, विचारों में, और इसको एक लाइन में नहीं बता सकता।